तो कैसे हैं आप लोग? कैरी मिनाती जिंदाबाद दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बोकारो डिस्ट्रिक्ट से आसनसोल कैसे जाएंगे वो आपको बताएंगे। दोस्तों ये जो पीछे इधर से मैं आ रहा हूँ, एक्चुअली मैं अभी बोकारो डिस्ट्रिक्ट में हूँ, ठीक है। ये रास्ता सीधे बोकारो चला जाता है। बोकारो से लगभग लगभग मैं 25-26 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। ये चंदन क्यारी नाम का एक प्रखंड है। चंदन क्यारी बॉर्डर है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये बॉर्डर है, ठीक है। ये जो पुल आपको सामने दिख रहा है, ये देखिए, ये वाला पुल, ये पुल ही बॉर्डर है। उस तरफ वेस्ट बंगाल, इस तरफ झारखंड है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये रास्ता पीछे चला जाता है, मतलब वेस्ट दिशा में, वेस्ट है ये, वेस्ट के तरफ बोकारो और सीधे ईस्ट के तरफ रघुनाथपुर। रघुनाथपुर बंगाल का एक छोटा सा सब डिवीजन है। अभी तो दोस्तों इस रोड को आप देख रहे हैं, 2 लेन बहुत सुंदर सा बना दिया गया है। बहुत अच्छा किया है काम स्टेट गवर्नमेंट ने। लेकिन ये रोड अंग्रेजों के समय से बहुत ही इतिहास में इस रोड का नाम रहा है दोस्तों। चूंकि हम लोगों को नहीं पता, आम आदमी को नहीं पता एक्चुअली, तो मुझे कैसे पता। देखिए, मेरा गाँव इसी के आसपास पड़ता है। इस रोड का नाम एक्चुअली रानी अहल्याबाई रोड है और ये बंगाल से इसके पीछे बोकारो होके सीधे रामगढ़, अंग्रेजों का लाव सेना जो बोलते हैं, क्या कहते हैं, लाव लश्कर, यही सब आना जाना करता था। इस रोड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था अंग्रेजों के टाइम पे दोस्तों। तो याद रखिएगा, इस रोड को कहते हैं रानी अहल्याबाई रोड। अभी पता नहीं ऑफिशियली कहीं रजिस्टर है कि नहीं, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ के पुराने रहने वाले हैं तो हम लोगों को पता है ये चीज़। दोस्तों आपको मैं एक बात बताना भूल गया। देखिए, इस दौरान हो ही सकता कि बंगाल से कहीं बाहर जाने का जरूरत पड़े या बाहर किसी स्टेट से आपको बंगाल आने का जरूरत पड़े। तो देखिए, वेबसाइट है agiabangla.com। इस agiabangla.com में आपको एंट्री पास भी मिलेगा और एग्जिट पास भी मिलेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज वहाँ पर लिंक है। आप गूगल में सर्च कीजिए, जरूर आपको मिलेगा। मैंने एक्चुअली जाने का बोकारो और उधर से आने का भी, कुछ काम था मेरा पर्सनल, दोनों का पास मैंने बनवा के ऊपर से प्रिंट आउट। अब मोबाइल पे भी लेके जा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे प्रिंट आउट मिल गया तो मैंने ले लिया। तो आपको अगर कहीं जाना हो, और एक बात, ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपको स्टेट के अंदर, यानी मैं फिलहाल बंगाल का ही बात करता हूँ, अगर बंगाल स्टेट के अंदर आपको अगर कहीं जाना है तो डिस्ट्रिक्ट के पार एक ही जिले में आप आना जाना कीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक जिला छोड़ के दूसरे जिला या तीसरे जिला में जाना है तो आपका जो लोकल पीएस है, पीएस मतलब लोकल पुलिस स्टेशन में जाके आप एप्लीकेशन देके अप्लाई कीजिए। उसी एप्लीकेशन में वो लोग मेमो नंबर डाल के स्टैम्प करके साइन करके आपको दे देगा। ये हुआ स्टेट के अंदर का बात। अभी अगर आप स्टेट के बाहर जाएंगे, अगर आपका स्टेट बॉर्डर क्रॉस करके कहीं झारखंड बिहार कहीं जाना हो, तो आपको ऑनलाइन agiabangla.com में, देखिए मैं यहाँ पे नीचे डाल देता हूँ, agiabangla.com में आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब आप कहाँ से जा रहे हैं, बंगाल में आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, प्लस आप जिस स्टेट में जा रहे हैं उस स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है, प्रॉपर एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है। और एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जहां से जा रहे हैं और जहां को जा रहे हैं वो रेड अलर्ट यानी रेड जोन नहीं होना चाहिए।
ये एक पहाड़ है, देखिए थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, देखिए पहाड़ को काट काट के ये पहाड़ एक्चुअली पूरा पत्थर का है, ठीक है। इस पहाड़ को काट काट के यहाँ पे क्रशर मैंने दिखाया आपको अभी, चारों तरफ क्रशर्स हैं। क्रशर होने का कारण क्या है ना, ये पहाड़ ही है। इस पहाड़ को काट काट के इसमें से पत्थर निकाल निकाल के क्रशर चलता है। अभी देखिए प्रकृति हम लोगों को क्या क्या नहीं देता है, और ये भी सच बात है कि प्रकृति के बिना हम लोग नहीं चल सकते हैं। प्रकृति दे रहा है तो मानव ले रहा है, देख रहे हैं। ये बॉर्डर से 10-12 किलोमीटर आगे आप जैसे आएंगे आपको ये पहाड़ मिल जाएगा। एक्चुअली ये गांव है, इस गांव का नाम है पहाड़ी गोड़ा। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसी रूट में थोड़ा सा और आगे जाके लेफ्ट साइड एक रोड जाता है जो सांतालडी पावर प्लांट जाता है, थर्मल पावर प्लांट है वो सांतालडी। आप कभी गूगल करके देख लीजिए तो आपको मिल जाएगा। सांतालडी पावर प्लांट बहुत ही पुराना पावर प्लांट है इंडिया का। ये जो रूट है ना दोस्तों, ये रूट जाता है सांतालडी पावर प्लांट, ठीक है। इधर से देखिए अभी भी कितना ट्रक वगैरह आना जाना कर रहा है। देखिए एक्चुअली पहले रोड बहुत ज्यादा खराब था, अब रोड बहुत ज्यादा खराब होने के कारण इधर ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा था नहीं। तो अगर आपको बोकारो आना है तो सबसे बेस्ट रूट है ये आसनसोल के तरफ से। आसनसोल से आप पहले रघुनाथपुर आ जाइए, रघुनाथपुर से राइट लेके सीधे बोकारो, एकदम एक रूट है हमारा NH2 होके जो धनबाद होके गुजरता है। पहले धनबाद जाना पड़ता है उसके बाद बोकारो जाते हैं हम लोग, लेकिन वो लॉन्ग रूट है। डायरेक्ट अगर आपको बोकारो आना है, धनबाद में आपको कोई काम नहीं है, तो आप ये रूट ही चूज कीजिए। दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इस रूट में कहीं पे भी टोल टैक्स नहीं है, और NH2 होके अगर आप जाते हैं तो आपको एक जगह टोल देना पड़ता है माइथन बॉर्डर पे। दुबड़ा शहर का एक खासियत है दोस्तों, चूंकि ये रोड बहुत ज्यादा पुराना ऐतिहासिक रोड है, तो ये दुबड़ा जो भी बोलिए, ये दुबड़ा गांव भी बहुत ज्यादा पुराना है, बहुत ऐतिहासिक गांव है। देखिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बिल्डिंग्स देखिए कितने पुराने पुराने, माने राजाओं के जमाने के बिल्डिंग है यहाँ पे, अंग्रेजों से भी पुराने। ये पुरलिया का माटी है दोस्तों, सरकारें आई गई, किसी ने भी इस पे ध्यान नहीं दिया, कोई सिंचाई व्यवस्था नहीं। कृषि के मामले में, मतलब कृषि पे ही हमारा जिला पूरी तरह से निर्भर करता है। सिंचाई व्यवस्था तो
नहीं है। अच्छा उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई भी सरकार आया हो गया हो, किसी ने भी उस तरह से यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। बंगाल का सबसे गरीब जिला होने के बाद भी आज भी ये माटी हमारे लिए माँ है, और इस माटी में हमारा एक अलग ही इमोशन जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों। आज भी पुरुलिया का ज्यादातर हिस्सा मानसून पर निर्भर करता है। बारिश हुआ तो फसल होगा, फसल कटेगा, पेट भरेगा। बारिश नहीं हुआ तो राम भरोसे, समझ ही रहे हैं ना। लोगों के पास जमीन है, खेती करने लायक बीघा बीघा जमीन है, सिंचाई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मानसून पे डिपेंड रहना पड़ता है तो खेती नहीं होता। अच्छा खेती नहीं होता है तो नौजवान चले जाते हैं गुजरात और बेंगलोर लेबर का काम करने। शायद 300 रुपया या 350 रुपया हाजिरी मिलता होगा, जितने दिन काम किए उतना हाजिरी, उसी में बेचारे खाते हैं रहते हैं। पैसा भी बचाना पड़ता है घर के लिए, हर महीने पैसा भेजना भी पड़ता है। तो दोस्तों ये रोड देखिए इधर से, ठीक है, हम लोग इधर पीछे से हम लोग आए हैं, और ये जो रोड है उस तरफ उधर चला गया पुरुलिया, और इधर आसनसोल और बराकर। तो आसनसोल से जब भी आप आएंगे तो उधर से आएंगे आके रघुनाथपुर टाउन है, ये रघुनाथपुर टाउन क्रॉस करके ही, जस्ट जैसे ही रघुनाथपुर टाउन खत्म होगा राइट हैंड साइड में ये रास्ता झारखंड के तरफ चंदन क्यारी के तरफ ले जाता आपको, चंदन क्यारी के बाद चास बोकारो, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, देखिए जगह जगह लिखा हुआ भी है बोर्ड में, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखे या नहीं दिखे। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दुबड़ा बाबूग्राम सांतालडी पावर प्लांट, ठीक है, बंगला में लिखा हुआ है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को नहीं समझ में आए, लेकिन रूट मैं कोशिश किया हूँ आपको समझाने का, तो आशा करता हूँ आप रूट समझ गए होंगे। यही है रघुनाथपुर शहर। रघुनाथपुर शहर से बांकुड़ा जाने का भी रूट है दोस्तों, इधर से आगे से राइट। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, यहां से हम लोगों को किधर भी नहीं जाना है, स्ट्रेट जाना है आसनसोल के लिए।
सेरगढ़ पुल पार करने के बाद लगभग 1 किलोमीटर आगे ये जगह देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये भी डिसरगढ़ ही है। यहाँ पे ये थोड़ा क्वाइट कंफ्यूजिंग है। लेफ्ट में अगर आप जाएंगे तो आप बराकर पहुँच जाएंगे, और बराकर से फिर लेफ्ट जाएंगे तो आप फिर से झारखंड पहुँच जाएंगे, और इधर राइट अगर आप जाएंगे तो आसनसोल। ठीक है, तो अगर आपको आसनसोल सिटी जाना है तो ये राइट वाला रास्ते में जाइए, प्लस आगे जाके फिर से राइट लेना है अगर प्रॉपर सिटी आपको जाना है तो। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको प्रॉपर सिटी जाना है, प्रॉपर आसनसोल सिटी अगर आपको जाना है तो यहाँ से राइट लेंगे। ठीक है, यहाँ से वो रोड पे ये राइट लेंगे, और अगर स्ट्रेट चले जाएंगे आप तो आप नियामतपुर पहुँच जाएंगे, अगर लेफ्ट चले जाएंगे तो कुल्टी पहुँच जाएंगे। ये है एक्चुअली, देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये है इस्को स्टील प्लांट वाला रोड। वेलकम टू आसनसोल दोस्तों, आपका मेरा हर सबका प्यारा आसनसोल। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि फिर एक नए रूट के साथ मैं फिर से आऊंगा, हम तीनों फिर मिलेंगे, मैं आप और मेरा ऑल्टो।